Hi everyone, good morning. And अभी वेट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन करने का हम चाहेंगे, अगले दो चार मिनट वेट कर लेते हैं. कल जैसे तय हुआ था कि हम आज एक लाइव सेशन करने वाले हैं, बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करेंगे और बहुत सारी बातें जो मार्केट के आपसे सवाल पूछे जाते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में या बहुत सारी मार्केट की पॉलिसीज़ के बारे में. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, राइट? सो अगले दो तीन मिनट हम डिस्कस करने वाले हैं और जल्दी से इसको शेयर भी कर दीजिए अपनी टीम्स में कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हम करने वाले हैं आज. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और जो भी आपके सवालात होंगे उनको हम आज लाइव लेंगे. जितने भी आप बोल्ड सवाल पूछ सकते हो वो पूछ सकते हो, क्योंकि हम हमेशा एक बात के मैं एक बात का बहुत फॉलोवर हूँ, जो अंदर है वो बाहर भी होना चाहिए. और इंसान जिस जैसा अंदर से होता है वैसा ही वो बाहर से होता है. तो यानी कि आपकी जो ज़ुबान से निकलता है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में चल रहा होता है. तो इसलिए आप भी अपने क्वेश्चंस को तैयार रखिए और मैं भी तैयार हूँ आप लोगों के सवाल के जो जवाब है जैसा मुझे आता है. भगवान ने जो मुझे ज्ञान बख्शा है, जो तालीम मुझे मिली है अपनी लाइफ में, उन सारे एक्सपीरियंसेस को जोड़ के आज आप लोगों के सवाल जो रहेंगे उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा. सो गुड मॉर्निंग ऑल, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और अपनी टीम में शेयर कर दीजिए कि हम आज एक लाइव सेशन करने वाले हैं. ये इम्पोर्टेंट सेशन है और बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है. कि मेरे पास एक टॉपिक था कि कल मैंने जैसे कि आप लोग जानते हैं डाला था कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट के पीछे सच्चाई क्या है, क्या है उसके पीछे बेस, क्या है उसके पीछे साइंस, क्या है उसके पीछे मार्केटिंग, कैसे वो बेहतर हैं या कैसे उसको कंपेयर किया जा सकता है, किस तरीके से आप उसको मार्केटाइज कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या उसमें स्पेशल है जो और किसी सप्लीमेंट में अनुमन आपको देखने को मार्केट में नहीं मिलता है. सो आप एडवांस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं. सो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा अगले दो तीन मिनट में हम इस सेशन को स्टार्ट करें. मीनवाइल आप भी अपना जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, अपनी टीम में शेयर कर दीजिए और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है. बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाब भी रहेंगे इसमें जो आपके नॉन बिजनेस सवालात आते हैं, आपके कॉम्पिटिटर आपके सामने अलग अलग तरीके की फिरकियाँ लेते हैं, तो वो सारे आज इस सेशन के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? राइट. मुझे आदित्य कौल जी देख रहे हैं, मुझे जितेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं वो भी देख रहे हैं, मनोज कुमार गर्ग देख रहे हैं, अर्चना गोयल देख रहे हैं, माया नरेश देख रहे हैं और सो मैनी लीडर्स जो अभी मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा. राजेश खाती जी भी हैं, राइट. सो आप लोगों का वेलकम है, सभी का वेलकम है आज के इस लाइव सेशन में. रविंद्र गुप्ता जी, डीके खंडेलवाल जी, उज्ज्वल जी, प्रणब जी, इमरान खान, विजय जायसवाल, अमित चहल, रिना सील, दिवांशु रंजन, सुबेक संधु जी, रेपन शाह, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आई एम ओके. यस वी आर ओके, डोंट यू वरी. ओके वर्ड ही अपने आप में ऐसा वर्ड है जो दुनिया का हर इंसान अपनी जुबान पे लेता है, वो किसी भी भाषा का क्यों ना हो, वो कहीं पे भी क्यों ना रहता हो, किसी महाद्वीप का क्यों ना हो. ओके नाम ऐसा है जो सबको लेना पड़ता अपने जीवन में. सो ओके हुए बिना मुझे लगता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो परफेक्शन नहीं आती है, जिसके लिए वो सक्सेस नहीं मिलती. तो हमें अपने अपने तौर पे अपने अपने नज़रिए में ओके होना ही पड़ेगा, राइट? सो आई एम ओके, मैं भी बोल सकता आई एम ओके और आप लोगों का भी नीचे दिख रहा है कि हर कोई लिख रहा है. एक नई लहर सी देख रहा हूँ मैं, कुछ लोग हमेशा एक रिवेंज एटीट्यूड में रहते हैं, यानी कि अपने हालातों से रिवेंज लेते हैं. हमें पर्सनल रिवेंज नहीं लेना है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, राइट?
गणेश जी, मनोहर लाल जोशी, मनोज कुमार गर्ग, सजन सोनी, राजू कर, रोहित पटेल, चंद्रमा दत्ता, दीपक गोहीन, मिथन देवनाथ, पप्पन मजुमदार, सैकेत चक्रवर्ती, जयश्री, डीके खंडेलवाल जी, श्रीकांत सैनी जी, आपका भी स्वागत है, आदित्य कौल जी, रेचा मिश्रा जी, चौधरी गौरव राठी जी, इसम जी, देवनाथ जी, यस कठोर जी, मनजीत फोगाट, मंजू शर्मा, विश्वकर्मा अंकित, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं, साथ साथ में वो ज्वाइन भी हो जाएंगे। देखिए, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत एक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आया हूं और डिस्कस करूंगा। देखिए, इंडियन डाइटरी सप्लीमेंट मार्केट की यदि बात करोगे तो वो आज लगभग, यानी कि 2020 के फाइनेंशियल ईयर को यदि मैं कोट करूँ तो वो 3924, नोट कीजिए, 3000 यानी कि 3924 मिलियन यूएस डॉलर की इंडिया की मार्केट है हेल्थ सप्लीमेंट की, जिसको आप डाइटरी सप्लीमेंट भी बोलते हैं। और जो इसकी ग्रोथ प्रेडिक्ट की गई है, ग्रोथ में प्रेडिक्शन जो लगाया है, ये एनुअली CAGR जो इसकी ग्रोथ है वो 17.5+ की, यानी कि 17% की ग्रोथ एनुअली इसकी मानी गई है। और ये अनुमानित तौर पे अनुमान लगाया गया है एक रिसर्च के माध्यम से, रिसर्च एंड मार्केट का जो स्टडी है उसको मैं कोट करना चाहूँगा। उसके माध्यम से इसको बताया गया है कि 2030 तक ये मार्केट लगभग, यानी कि जो आज 3900+ है वो 10000+ की मार्केट हो जाएगी, यानी कि लगभग यहाँ से ये मार्केट 2.5 से 3 गुना होने वाली है अगले 7-8 साल में, यानी कि अगले 7-8 साल के बाद 2.5 से 3 गुना इस मार्केट में ग्रोथ आने के चांसेस। यानी कि यदि मार्केट में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस ग्रोथ रेट से मार्केट डेवलप हो रही है इंडिया में, तो उससे जो अनुमान लगा रहा है, तो इसमें एक अच्छा करियर डेवलप करने का भी मुझे लगता है कि हमारा चांस है। और जितने भी यंगस्टर या हमारे जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, तो ये नोट कीजिए, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। जब आप अपनी टीम को गाइड करते हैं, अपनी प्रोडक्ट बास्केट को एनालिसिस करते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं या प्रमोशन करते हैं, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, ज़्यादा पे आउट जनरेट कर पाएगा, ज़्यादा सेल जनरेट कर पाएगा, ये फैक्ट्स एंड फिगर मार्केट के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम हम ओनली प्लान और प्रोडक्ट तक सीमित रह जाते हैं, आने वाली मार्केट किस तरफ जा रही है, क्या 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 मार्केट में आने वाला है, कौन सी सेगमेंट जो प्रोडक्ट्स का है वो सबसे बड़ा आपके लिए एक तुरक का इक्का साबित हो सकता है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो लगभग 2.5 से 3 गुना अगले आप देखेंगे 7 से 8 साल में ये मार्केट बहुत बड़ी होने वाली है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि और ये क्यों होने वाली है, इसका इसके पीछे रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे अवेयरनेस, कि हमारी कहीं ना कहीं जो हेल्थ अवेयरनेस है, जो हमारा फूड के प्रति ज्ञान है, जो न्यूट्रिशन के प्रति हमारी नॉलेज है, उसमें डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो डिजिटल मीडिया का माध्यम हो, चाहे हमारी रिसर्च का वो एक माध्यम हो। तो आज आपको फैक्ट्स एंड फिगर मिलते रहते हैं हेल्थ के बारे में, तो आप डे बाय डे अवेयर होते जा रहे हैं हेल्थ के बारे में। पहला रीजन अवेयरनेस। दूसरा रीजन है कि लाइफस्टाइल जो है हमारा, उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेज आए हैं फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे रहने सहने के तरीके की वजह से, हमारे खाने के, सोने के, उठने बैठने का जो टाइमिंग है उसमें जो डिसबैलेंस आया है, उसमें जो डिस्टर्बेंस आया है, उसकी वजह से हमारे लाइफस्टाइल जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से हमारी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं इंडिया इज़ द लीडिंग कंट्री, जो डायबिटिक पेशेंट की लीडिंग कंट्री हम बनते जा रहे हैं। और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ चंद सालों में 80 मिलियन लोगों के आसपास यहाँ डायबिटिक पेशेंट होंगे। अपोलो की रिसर्च के मुताबिक यदि मैं आपको कोट करना चाहूँ तो लगभग 30% जो आदमी हैं, जो जनसंख्या है हमारी इंडियंस की, वो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड बीमारियों से जूझ रहे हैं, यानी कि पेट या डाइजेशन से जो रिलेटेड समस्याएं हैं, कोई कॉन्स्टिपेशन है, किसी को एसिडिटी है, किसी को इनडाइजेस्टिबिलिटी है, किसी को IBS के सिंड्रोम है, किसी को पाइल्स है,
किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी प्रॉब्लम लगभग 30% पॉपुलेशन में है। और उस अगला जो मैं बात कर रहा हूँ, कैंसर जैसी बीमारी डे बाय डे, हर आप देखेंगे आज से 20 साल पहले, 10 साल, 15 साल पहले कैंसर के बहुत कम पेशेंट आपको देखने को मिलते थे, बट और उनके हॉस्पिटल स्पेशलाइज हॉस्पिटल कहीं दिल्ली और मेट्रो सिटी में देखने को मिलते थे। आज छोटी छोटी सिटी में कैंसर के स्पेशलाइज हॉस्पिटल खुल रहे हैं। इसका एक ही मतलब, यानी कि पेशेंट बढ़ रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ट्रीट करने के लिए भी बढ़ रहा है, यानी कि हॉस्पिटल्स को आप देख रहे हैं तो हर छोटे शहर में भी कैंसर के ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल खुल रहा है। इसके अलावा हार्ट या कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं हमारी, वो भी डे बाय डे बहुत बड़ी बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे स्ट्रोक या हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक आना, हाइपर बीपी की प्रॉब्लम होना, या आप बात करें आपका लिपिड्स का बढ़ना है, लिपिड्स प्रोफाइल का अनबैलेंस होना, हाइपर लिपिडीमिया होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, एलडीएल का बढ़ जाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेजर हेल्थ चैलेंजेज हैं जिसके कारण हमारी जो इंडस्ट्री है हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री वो बढ़ती जा रही है। और हर कोई इंसान चाहता है थेरेप्यूटिक एक सॉल्यूशन चाहता है। थेरेप्यूटिक सॉल्यूशन मतलब वो दवाई नहीं खाना चाहता, वो एलोपैथी पे नहीं जाना चाहता, वो ड्रग्स पे नहीं जाना चाहता, वो नहीं चाहता कि उसको कोई कल को सर्जरी करवानी पड़े। इसलिए आज अवेयरनेस की वजह से हर कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहता जो उसके लिए एक थेरेप्यूटिक हो और सेफ हो। और इसके लिए सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री उभर के आ रही है वो है हमारी डाइटरी सप्लीमेंट एंड द आयुर्वेदिक सप्लीमेंट इंडस्ट्री। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है आने वाले हेल्थ चैलेंजेस को लेके, यानी कि हेल्थ इंडस्ट्री में ये इतनी अमर्जिंग इंडस्ट्री बनती जा रही है। हेल्थ सप्लीमेंट और थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स सप्लीमेंट्स जो हैं, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हैं या हाइब्रिड सप्लीमेंट्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोल प्ले करने वाले हैं। और इसमें लीडिंग कंपनियों की बात करें तो डाबर इसमें एक कंपनी है, इसमें इंडिया में बात करूँ हिमालय एक अच्छी कंपनी है जो सप्लीमेंट में काम कर रही है, डाबर है आपका, फाइजर है, इसमें मैं बात करूँ तो मर्क है, और डायरेक्ट सेलिंग में बात करूँ तो अच्छा काम करने वाली वर्ल्ड वाइड एमवे भी अच्छे खासे हेल्थ सप्लीमेंट में डील करती है, और उनका लगभग जो बिजनेस आता है वो मोर देन 50-60% जो बिजनेस है वो हेल्थ सप्लीमेंट से ही रिलेटेड कहीं ना कहीं बिजनेस है। और इसमें FLP भी बहुत अच्छा काम कर रही है, हर्बल लाइफ भी अच्छा काम कर रही है जो हेल्थ सप्लीमेंट को ही लेके आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनको मालूम है वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन का जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का जो डेंसिटी है, जो कंसंट्रेशन है, जो परसेंटेज है, जो इंक्रीमेंट जो आ रहा है, जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेज आ रहे हैं, आने वाले टाइम में लोग इसी ऑप्शन को ही बेहतर मानेंगे अपने इलाज के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की मैनेजमेंट के लिए। इसलिए ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा करने वाली है। तो तीन रीजन मैंने बताए, पहला रीजन है अवेयरनेस, दूसरा रीजन है हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तीसरा रीजन है हमारा ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाना जो थेरेप्यूटिक पर्पज के हों अपार्ट फ्रॉम द ड्रग्स एंड एलोपैथीज। और चौथा रीजन इसमें जो मैं आता हूँ, जो आप सबको लगेगा, चौथा रीजन है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि पिछले 10 साल में इंडिया में बहुत, मैं मानूंगा उसमें भी बहुत बड़ी तेजी आई है। ट्रांसपोर्टिंग, चाहे रोड ट्रांसपोर्टिंग की बात करें या एयर ट्रांसपोर्टिंग की बात करें या रेलवे ट्रांसपोर्टिंग की बात करें, आज इंडिया के हर कोने में बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन डिलीवर कर पा रही हैं। आज से 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि हर किसी की एसेसिबिलिटी, हर किसी की पहुंच बन गई है कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, चाहे वो आज यहाँ दिल्ली से नागालैंड में बैठा हो, कोई मणिपुर में बैठा हो, कोई त्रिपुरा में बैठा हो, हर कोई आदमी के पास आज ऑनलाइन शॉपिंग का एक ऑप्शन है, वो आराम से अपना प्रोडक्ट मंगवा सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। तो ये चार मेजर रीजन है इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। अब बात आती है कि ओके लाइफ केयर इसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती है, क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, व्हाई ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट्स आर बेटर देन जो अभी तक की इंडस्ट्री में आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसा वो नहीं है, हमारे जैसा ये नहीं है। मैं एक ही बात इसमें कहना चाहता हूँ, हम स्पेशलाइज्ड कैसे हैं, हमारी USP क्या है। देखिए, हमारा जो रिसर्च रहा है
जो हमारी इसके पीछे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी रही है वो रही है लोगों की समस्याओं को लेकर। सबसे बड़ा हमारे पास हमने स्टडी किया, जैसे आईसीएमआर की जो रिपोर्ट्स हैं, डब्ल्यूएचओ इंडिया के बारे में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की जो उनकी रिपोर्ट्स जो बोलती हैं, या अदर हेल्थ बुलेटिन्स या अदर हेल्थ रिसर्च जो एसोसिएशन उनके जो डाटाज हैं उनको डाटाज को स्टडी करने के बाद हमारे पास एक इनपुट्स आया, एक इनपुट आया तो उस पर हमने काम किया और उस काम करके हमने एक प्रोडक्ट जनरेट किया। उसका एक ही मकसद था कि हम जब इंडिया की कंपनी है तो इंडिया में यदि लोगों की समस्याओं को दूर करना है तो किसी इंडियन कंपनी के को ही आगे आना पड़ेगा, इंडियन हमारे जैसी यंगस्टर को आगे आना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं हेल्थ साइंस में, फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में, या बात करें तो डाइटरी सप्लीमेंट्स में, फूड एंड न्यूट्रिशन में जिन्होंने अपना तालीम हासिल की है यानी कि स्टडी किया है, वो जनरेशन आके कुछ ऐसी थेरेप्यूटिक्स चीज़ें देगी जो आने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पाएगी। और उसी कड़ी में मेरा आगमन इस इंडस्ट्री में होगा। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ हमारे रिस्पेक्टेड डीके सारन जी को, जो उनका विजन मैंने देखा इस ओके लाइफ केयर में आने से पहले कि यस ही इज़ द विजनरी, उनको नॉलेज थी, मार्केट का नॉलेज था और वो समझते थे क्या बदलाव आने वाले हैं। उन्होंने मेरे को फ्री हैंड दिया कि यू आर ए यंगस्टर और वेरी, मैं हमेशा कॉन्शियस रहता था हेल्थ के बारे में, जिम जाना, स्पोर्ट्स में जाना, बहुत सारे लोगों के साथ स्पोर्ट्स में कनेक्टेड रहना, तो मेरा एक अपने आप में ये एक शौक भी था कि मैं यस अच्छा खाऊं, अच्छा पढ़ूं, अच्छे तरीके से रहूं। उसी कड़ी में ओके लाइफकेयर का आगमन हुआ और हमने फ्री माइंड से, बिल्कुल ओपन माइंड से लोगों की समस्याओं को स्टडी करके उसका एक सॉल्यूशन देने की बात की। अब वो समस्याएं क्या थी, समस्या सबसे बड़ी समस्या आज मैं आपको बताना चाहूँ हेल्थ की सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से क्या, ब्रेन से स्टार्ट हो जाती है। आज फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से हमारी बॉडी और हमारे नर्वस सिस्टम को, यानी कि ब्रेन उसका जो राजा है, जो मास्टर है, उसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाता। अब ब्रेन को प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं मिल पाता तो एक्स्ट्रा जो बर्डन है नर्वस सिस्टम पे, वो नर्वस सिस्टम का एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो फंक्शनलिटी है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि ब्रेन ने ही कंट्रोल करना है हार्ट बीट को, ब्रेन ने ही कंट्रोल करना है भूख को, ब्रेन ने ही कंट्रोल करना है डाइजेशन को, ब्रेन ने ही कंट्रोल करना है लीवर के फंक्शन को, ब्रेन ने ही कंट्रोल करना है आपके अदर्स केमिकल्स, हॉर्मोन्स एंड जो बॉडी में रिएक्शन होती हैं। अब ब्रेन ही थका हुआ, आपका नर्वस सिस्टम थका हुआ है तो आपका बॉडी फंक्शन कहीं ना कहीं हार्ट होगा, आपका बॉडी फंक्शन कहीं ना कहीं नॉर्मल से अबनॉर्मल की तरफ जाएगा। आज जितने आप देखेंगे बीपी के पेशेंट थे जो कि आप वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं, उसका पीछे एक सबसे बड़ा रीजन जो निकल के आया है वो आपकी ब्रेन की स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से आज जो एसिडिटी है उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन क्या निकल के आ रहा है, आपकी ब्रेन की स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम पे एक्स्ट्रा लोड। इसके पीछे सीधा सा यदि आप कोट करना चाहेंगे, सीधे से इसके पीछे रीजन देखना चाहेंगे, पहले आज से 20 साल पहले जो हमारे सोने की टाइमिंग थी वो लगभग 8 बजे तक 80% 90% लोग सो जाते थे, आज और सुबह 6 बजे के आसपास 80% लोग उठ जाते थे क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे, छतों पे सोना, बाहर सोना, और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं था, जो मेरे पीछे मशीन दिख रही है ये नहीं थी, तो जो सोने का परफेक्ट टाइमिंग था वो 8 बजे से सुबह के 4-5-6 बजे तक था। इसमें क्या होता था, हमें प्रॉपर 8 घंटे का टाइम मिल जाता था जिसके कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका जो वर्कलोड था वो अपना पूरा करके उसको दोबारा से उसका साफ सफाई कर लेता था, यानी कि उसको रिवर्टलाइज कर देता था, उसको रिवर्स कर देता था और अगले दिन के लिए तैयार हो जाता था। बट आज दिक्कत क्या है, हम लगभग ऑन एवरेज आज गांव में भी आप देखेंगे तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ये हमारी यानी कि जो 8 बजे था वो 11 बजे हो गया, यानी कि 3 घंटे का एक्स्ट्रा लोड हमारी बॉडी पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हमेशा काम करता रहता है। और डिजिटलाइजेशन के कारण जो विजुअल्स हम रात को देखते हैं या फोन को और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को ज़्यादा यूज करते हैं तो उसके कारण भी हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे हेल्थ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं आज, तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए था मुझे लगता है। तो हमने सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो डेवलप किया वो ब्रेन फ्यूल किया। ब्रेन फ्यूल का मतलब क्या था कि आपके दिमाग के लिए फ्यूल का काम करे। आप अपने पेट का फ्यूल ले रहे थे, आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे थे, तो ब्रेन का जो कि डेली ओवर यूज हो रहा था उसको भी
दोबारा से रिवर्टलाइज करने के लिए, उसको भी बैकअप देने के लिए, उसको भी वो पावर सप्लाई देने के लिए हमने इस प्रोडक्ट का डिजाइन किया, जिसका नाम ब्रेन फ्यूल था। देखिए अब ये ब्रेन फ्यूल तो आ गया आपकी ब्रेन की स्ट्रेस को, यानी कि ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन को, अच्छी नींद लेने के लिए, आपके पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए। पर इससे पहले मैं आपको तीन चार चीज़ें बताऊंगा जो हर सप्लीमेंट में ओके लाइफ केयर ने डाली। इससे पहले मैं आपको गारंटी लेता हूं, कितने भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में कितने दिन से भी क्यों ना हो, मैं आपसे ओपन चैलेंज करता हूं ये, और डिजिटल माध्यम से करना चाहता हूं, ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या आपके जो हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं, उनसे भी मैं एक हेल्दी कंपेरिजन का चैलेंज करना चाहता हूं कि ओके लाइफ केयर से पहले ये कभी भी नहीं सोचा गया था कि हेल्थ सप्लीमेंट में ही प्रोबायोटिक डाला जाएगा। प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक की वो दही में जो हेल्दी वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो जनरल भाषा में बताऊं जिनको जीवाणु बोलते थे, बैसिलस, वो हमारे पेट की साफ सफाई का काम करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है और हमारे पेट को साफ रखने का काम करता है। अब आज फास्ट फूड के कारण, अल्कोहल के कंजप्शन के कारण, ओवर कैफीनेस और लो डाइट्री फाइबर इंटेक के कारण आज सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, जो माइक्रोफ्लोरा है, जो हमारा जो हमारी प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे डाइजेशन ट्रैक से स्टार्ट होती हैं। और पहले बुजुर्ग लोग बोलते थे जिसका पेट साफ है उसको कोई बीमारी नहीं आती, आज सबका पेट खराब है, इसके लिए बहुत सारी बीमारी हमारे पेट से ही स्टार्ट होती हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा फैक्ट ये आया कि हमने देखा कि जब बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं, क्यों ना हम आने वाले टाइम में उनकी बेसिक प्रॉब्लम को हर प्रोडक्ट में सॉल्यूशन दें। हर प्रोडक्ट में बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दिया गया? प्रोबायोटिक डाला गया। और ये सोचना तो दूर की बात है कि प्रोबायोटिक हर प्रोडक्ट में आएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था प्रोबायोटिक होता क्या है। उस टाइम पे बहुत कम लोग जानते थे, ओनली कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग जानते थे आज से 4-5 साल पहले कि व्हाट इज प्रोबायोटिक। तो ओके लाइफ केयर इज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक डाला। रीजन, क्योंकि मैक्सिमम लोग डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से क्या थे, ग्रस्त थे, उसको सॉल्यूशन दिया ओके लाइफ केयर ने। दूसरा सॉल्यूशन क्या दिया हर प्रोडक्ट में कि आज जो स्ट्रेस है, बॉडी स्ट्रेस भी है, आज हमारी बॉडी बिल्कुल टूटा फूटा लो एनर्जी फील करती है, इसका बेसिक रीजन क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में पड़ रहा है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है? प्रॉपर रेस्ट ना कर पाना, टाइम से उठना बैठना, खाना ना कर पाना, और एक्सरसाइज सेडेंटरी लाइफ हो जाना, और जो हमारा फूड है वो आज जिंदा चीज़ें हम कम खाते हैं, मरी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। इसके पीछे ये नहीं है कि पहले लोग मछली पकड़ते थे ऐसे ही खा जाते थे, ये नहीं है बिल्कुल। जिंदा का मतलब है एंजाइम होना, लाइव एंजाइम होना, यानी कि हम जो मूली, गाजर, सलगम खेत से उतारते थे और निकालते थे और धोते थे, उसको खा लेते थे, उसमें क्या थे, एंजाइम्स थे जो हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करते थे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट थे जो हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते थे, हमारी एजिंग को स्लो कर देते थे, यानी कि एंटी एजिंग का काम करते थे। अब वो क्या हो गया, हमने फ्राई कर दिया और जो जिंदा चीज़ें थी वो फ्राई के हाई टेम्परेचर के कारण, उस तेल के जो टेम्परेचर 150+ था उसमें वो जिंदा चीज़ें मर गई। इसके कारण जब हम उसको खा रहे हैं तो दोबारा से लीवर पे बोझ पड़ रहा है, उसको दोबारा से क्या करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए। पहले लीवर पे इतना बोझ नहीं था क्योंकि जिंदा चीज़ें खाई थी, आराम से डाइजेशन हो जाता था, मच बेटर डाइजेशन था और डाइट्री फाइबर भी था, आज रिफाइंड है। इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा, फ्री रेडिकल का लोड, यदि साइंटिफिक कुछ लोग सुन रहे हैं, फ्री रेडिकल के लोड के कारण कैंसर जैसी बीमारी, आर्थराइटिस जैसी बीमारी, लीवर डैमेज जैसी बीमारी, बहुत सारी ऐसी बीमारी जो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल उसके पीछे रीजन था, वो हमारी बॉडी पे बढ़ गया, उसके कारण हम ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी हमारे बहुत सारे लोगों को घेरती जा रही है। उसका सॉल्यूशन देना था तो आपको एंटीऑक्सीडेंट अपने प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा। और ओके लाइफ केयर के जितने भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, हर किसी प्रोडक्ट में बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का काम किया, जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए प्रोबायोटिक्स, और फ्री रेडिकल लोड, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कैंसर जैसी बीमारियां जिसके जो रीजन बन रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हर प्रोडक्ट में क्या डाला गया है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट डाला गया है। यहाँ पे हम यूनिक हैं, प्रोबायोटिक में यूनिक हैं, एंटीऑक्सीडेंट में हम यूनिक हैं। तीसरी चीज़ हमने क्या की कि हम देख रहे थे, हमने स्टडी किया, अपने डाटा एनालिसिस किया, कुछ लोग लैब को स्टडी मान लेते हैं क्योंकि बेचारों ने लैब का नाम सुना और ये सोचा है कि मोटे चश्मे वाला ही लैब में रहता है।
देखिए आज बहुत सारी चीज़ें डेस्कटॉप पे हैं आपकी, आज बहुत सारी चीज़ें गूगल पे पड़ी हैं, आज बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे हैं, बस आप बशर्ते आपको वो सर्च करना आना चाहिए, वो आइडिया आना चाहिए, वो आपके पीछे नॉलेज होनी चाहिए। हमने क्या किया, मेजर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी थी कहाँ पे, बॉडी में, आज उनको उनको हमने सॉल्यूशन देने की बात की। मेजर डेफिशिएंसी क्या है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी लगभग, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में 80-90% लोगों में विटामिन B12 की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिस जो रीज़न बनती है परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया का मतलब है, उसका सीधा सा यदि कोरिलेट करें तो सिंपल सी चीज़ डायग्नोज करेंगे, जैसे आप स्ट्रेस चढ़ते हैं और ज़्यादा आप हाँपते हैं तो आपको विटामिन B12 और आयरन की कमी हो सकती है, तो आप डायग्नोज करवाएंगे तो 90% चांस उसी के हैं। सो अगली चीज़ इसमें क्या आई कि हमने विटामिन B12 लिया, पायरोडोक्सिन लिया, कैल्शियम, विटामिन D3, आयरन, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट के बेस में लिए कि जिस मैक्सिमम लोगों में, बहुत सारे लोगों में इन्हीं चीज़ों की कमी है। यदि बहुत सारे लोगों में इन्हीं चीज़ों की कमी है तो बेस लेवल पे इसको रख दिया तो हर किसी में काम करेगा। तीन चीज़ों का सॉल्यूशन मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं प्रोबायोटिक्स ने कंट्रोल किया, आपकी फ्री रेडिकल का जो लोड था, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस था बॉडी पे, जो आज आपकी जो लो एनर्जी रहती है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट डाले, और जो आपके शरीर में कमियां हैं उसको काउंटर करने के लिए क्या डाला, आपके जो जो हमारी RDA वैल्यू है और जो हमारे मेन डेफिशिएंसी जिस चीज़ की है उनको एनालिसिस किया गया और इंडियन में जो कमी थी वो उसमें डाला गया तो उसको भी काउंटर किया। चौथी चीज़ क्या किया गया, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हमसे पहले पूरी इंडस्ट्री में, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हेल्थ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंडियन हेल्थ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में बहुत कम, मुझे लगता ना के बराबर स्पेशलाइज कस्टमाइज प्रोडक्ट थे। तो हमने क्या किया कि ये तीन चीज़ें तो सब में डालेंगे पर अब एक चीज़ एक्स्ट्रा डालेंगे जो कि आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा का काम क्या है, हीलिंग पावर। आयुर्वेदा का काम क्या है, हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाना, हमें बिना साइड इफ़ेक्ट बहुत सारी बीमारियों में एक अच्छे लाभ हमें उससे मिलते हैं। तो ऐसे जो हमारी सबसे एंशियंट पद्धति थी उपचार की, जिसको आयुर्वेदा बोलते हैं, उसको भी हमने जगह दी और उसका भी एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमने निकाला जो सदियों से यूज होता आ रहा था। जैसे ब्रेन के लिए ऐसी जड़ी बूटियाँ सेलेक्ट की गई, जो 5-6 जड़ी बूटियाँ जो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, तो उनका मिक्सर उसमें डाला गया साथ में। हार्ट के लिए थी तो हार्ट में जो 5-6 जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद में आती हैं वो उसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन में डाला गया। जो लीवर के लिए थी वो 5-6 जड़ी बूटियों को सेलेक्ट करके उसमें डालेगी, यानी कि कस्टमाइज किया गया। आज आप देखें हर चीज़ की स्पेशलाइजेशन आ चुकी है, आँखों का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, गले का डॉक्टर अलग, हेयर्स का अलग, स्किन का अलग, चेहरे पे आप देखेंगे तो 7-8 डॉक्टर का काम हो जाता है, आँख का, हेयर का, स्किन का, नाक का, गले का, टंग का, कितने कितने डॉक्टर आपके सामने चेहरे पे लग सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन का ज़माना है और स्पेशलाइजेशन का ज़माना पर हमारी हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री में आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन ना के बराबर था, ओनली वही घिसी पिटी बातें हो रही थी जो आज से 15-20 साल पहले जो चीज़ें डेवलप थी उन्हीं को हम मार्केटाइज कर रहे थे। अवेयरनेस तो आ गई थी पर एडवांसमेंट नहीं आई थी। हेल्थ इंडस्ट्री में अवेयरनेस आई, सप्लीमेंट इंडस्ट्री बढ़ी, पर एडवांसमेंट की कहीं ना कहीं कमी थी जो इंडियंस की समस्याओं को दूर कर सकती थी। तो ओके लाइफकेयर की R&D टीम ने और DK सारण जी के विजन ने उसको एक फाइनल मुकाम तक पहुंचाया कि उनको उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया, उन्होंने साइंस को जगह दी, साइंस को आगे बढ़ने का मौका दिया और उन्होंने एक अच्छी टीम जो मेरी हेडशिप में चली उसको करने का, उनको लीड करने का मुझे मौका दिया, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन सारी चीज़ों की वजह से आज हम इस इंडस्ट्री के ऐसे प्रोडक्ट लेके बैठे हैं जो कि किसी के लिए अमृत का काम कर सकते हैं, किसी के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए अमृत का काम कर सकते हैं। रीजन इसके पीछे इसकी साइंस, इसके पीछे इसका एनालिसिस, इसके पीछे डाटा, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको देख के ये सारी चीज़ डिजाइन की गई हैं। सो
कस्टमाइज प्रोडक्ट की वो पहली सीरीज जिसको आप आज एक बहुत प्राउड के साथ अपने प्रमोट करते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हर्बो फूडसूटिकल। हम लेके आए, वी आर द फर्स्ट कंपनी जो हर्बो फूडसूटिकल लेके आए। और हर्बो फूडसूटिकल का मतलब फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेद का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो शरीर की कमियों को भी दूर करे और आप में जो आज लाइफस्टाइल के कारण जो बीमारियां आ रही हैं, जिसको आप डिसऑर्डर बोल रहे हैं, उनको दोबारा से मैनेज करके वापस उनको रिवर्स किया जा सके। वो जड़ी बूटियां भी उसमें ऐड की गई हैं और उसमें यूएसपी मैंने बताई, आपका प्रोबायोटिक है, आपका फ्री रेडिकल को क्विंच करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, और साथ में आपका डेफिशिएंसी जो शरीर में नॉर्मल पाई जाती है उसको वापस से फुलफिल करने के लिए इसमें आपके पास वो बेसिक मल्टीविटामिन ऐड किए गए हैं, और साथ में एक पर्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शन को बेटर करने के लिए, जैसे लीवर, हार्ट, ब्रेन, किडनी, इनको, थायराइड, स्किन, आईज, इनको करने के लिए उनके लिए स्पेशलाइज जो अभी तक आयुर्वेदा में जो हमारी जड़ी बूटियां यूज होती है उसमें डाली गई हैं, जिसकी वजह से आज हम बता पा रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में बेहतर सप्लीमेंट ओके लाइफ केयर के हैं। और ओके लाइफ केयर के आने वाले जो सप्लीमेंट होंगे, आने वाले जो हेल्थ हमारे डाइटरी सप्लीमेंट होंगे, मैं कहता हूँ जिस तरीके से ओके लाइफ केयर आने वाले प्रोडक्टों पे काम कर रहा है, आने वाले अगले 6 महीने में आप पूरी इंडस्ट्री में दावे के साथ कहते हो, कह सकते हो कि हेल्थ की बास्केट किसी की देखनी है तो ओके लाइफ केयर की देख सकते हैं। किसी के लिए वो एग्जांपल बन सकती है, किसी के लिए वो मोटिवेशन बन सकती है, और बहुत सारी कंपनियों के लिए, हमारे कॉम्पिटिटर के लिए वो गाइड का भी काम करेगी। बहुत सारे लोग हमें देख के अपने सप्लीमेंट की रूपरेखा तैयार करने लग गए हैं, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। बिकॉज यदि ऐसा वो कर पाए तो हमारी कहीं ना कहीं आने वाली जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसमें हमारे लोगों के सॉल्यूशन को देने के लिए वो भी भागीदार बन सकते हैं। और मैं भी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं, नए प्रोडक्ट, नई रिसर्च पे काम करें और आने वाले जो समस्याएं हैं उनको, उनका सॉल्यूशन देने का काम करें। इसलिए मैं कहता हूं ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर के लिए बिजनेस पर्पज से तो उनकी नींद उड़ाएगा, पर ये पक्का है यदि ब्रेन फ्यूल खा लिया तो उनकी नींद भी अच्छी आएगी। तो बस इसी के साथ मैं कोट करना चाहूँगा कि लगे रहिए, और फूड सप्लीमेंट और डाइटरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री आने वाले कुछ चंद सालों में जो उनकी CAGR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आनी है, जो कंपाउंड ग्रोथ आनी है, वो लगभग 17% के प्लस आनी है। तो इस इंडस्ट्री में, इस सेगमेंट में काम करना अपने आप में ही, चाहे वो आप डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से करें या आप ट्रेडिशनल माध्यम से करें, किसी भी माध्यम से करें, ये बहुत बड़ा आपको एक रिवेन्यू दे सकता है, एक डिविडेंड दे सकता है, एक बहुत बड़ा मुनाफे का बिजनेस बन सकता है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आ रहा है और बहुत सारे लोग मेरे से सवाल भी पूछ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए कंपटीशन की दो थ्योरी हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ बिजनेस करें, कंपटीशन की वर्ल्ड में दो यूनिवर्सल थ्योरी हैं। एक थ्योरी है आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग लो प्राइस थ्योरी। कौन सी थ्योरी? लो प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग। ये थ्योरी बहुत खतरनाक होती है, जैसे जियो ने भी यही थ्योरी अपनाई, जैसे आप मारुति भी यही थ्योरी अपनाता है। दूसरी थ्योरी होती है यूनिक प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग। या तो आपका प्रोडक्ट प्राइस में सबसे अच्छा होना चाहिए या आपका प्रोडक्ट सबसे यूनिक होना चाहिए। वर्ल्ड की दो ही थ्योरी हैं। जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन का रोल होता है वो अपने प्रोडक्ट को इन दो थ्योरी के अकॉर्डिंग ही दूसरे के साथ कंपेयर करेगा। और यही काम हमारे CEO सर करते हैं, यही काम हमारे लीडर करते हैं, यही काम मैं करता हूं कि या तो लो प्राइस की थ्योरी पे काम करना है या आपने काम करना है यूनिक प्रोडक्ट पे। आप हर्बो फूडसूटिकल देख रहे हैं, दीज आर द यूनिक प्रोडक्ट थ्योरी। ये यूनिक प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में आपको आगे रखते हैं। आप जब आप FMCG पे जाते हैं, पर्सनल केयर पे जाते हैं, वो हमारी लो प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग को स्ट्रोंग करते हैं। और मार्केट में एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, अच्छी तरीके से एक दूसरे को प्रमोट करें, चाहे वो हमारा कॉम्पिटिटर है। पर्सनल रिवेंज नहीं लेना है, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे रिस्पेक्टेड DK सर पे भी अटैक करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की रोटियां इसी में ही चलती हैं, कुछ लोगों का जीवन इसी पे ही आधार है। कुछ लोग
दो तीन लोग लोगों ने एक एजेंडा बनाया हुआ है ओके के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी है वो ओके लाइफ केयर की बुराई करने में है। वो डेली पूछते रहते हैं इनका ऑफिस, इनका ये, उनका वो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब इन चीज़ों से क्या मैटर है। डीके सर को तो उनको सैल्यूट बनता है कि उनकी जीवन का हाइएस्ट पे आउट लगभग 6.5 लाख के आसपास डीके सर की गाइडलाइंस में ही बना। इससे पहले बहुत जगह पे हाथ पैर मारे, पर ओके लाइफ केयर ने वो मुकाम उन लोगों को दिया जो आज आपके कॉम्पिटिटर बन के तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने की बात करें। उनसे पूछें कि आज आपका परफॉर्मेंस क्या है, आज आने वाले टाइम में उनसे पूछेंगे ना कि आप अपनी टीम को क्या परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, आज क्या आपका विजन है, क्या आपका एजेंडा। नहीं बोलेंगे, बट दूसरों में ये लगे रहते हैं इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, यानी कि वो कंपनियों के डॉक्टर बन गए हैं। वो अपने अपने खुद के डॉक्टर नहीं है, वो दूसरी कंपनियों की बीमारियों को देखते रहते हैं। इसको ये बीमारी है, उसको वो बीमारी है, उसको वो बीमारी है। तो मैं उनसे एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं उनसे पूछना भी चाहता हूँ, आपका ज़िंदगी में क्या मोटो है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका अगले साल का टारगेट क्या है, आप कितने पे आउट पे पहुँचना चाहते हैं, आप उस जिस एसोसिएशन के साथ, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं उसमें आप क्या न्याय लाना चाहते हैं, वो कहाँ कहाँ लेके जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में, उसको कहाँ देखना चाहते हैं। अपना भी थोड़ा सा विजन बताइए और हमें भी बताएं, क्योंकि आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, आप अपने आप को बहुत तुरमखा समझते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, ओपन डिबेट पे अपने लोगों को बताएं कि आपकी टीम में अगले साल कितने लोग 1 लाख के पे आउट पे पहुंचने वाले हैं, कितने लोग 20,000 पे पहुंचने वाले हैं, कितने लोग 50,000 पे पहुंचने वाले हैं, और आपका पर्सनल टारगेट क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, विजन होना चाहिए तो डीके सर जितना होना चाहिए, जैसे उन्होंने बोला 500 लोगों को लेके जाएंगे, पर एक ठानी है, चाहे उसमें कम पैसे क्यों ना रह जाए, पर एक विजन दिया है अपने लोगों में, वो एनर्जी दी है, वो ताकत दी है। और मैं हमेशा बोलता हूं, परफेक्ट कोई नहीं इस दुनिया में, परफेक्ट एक बीमारी है, परफेक्ट नहीं हो सकता कोई भी, परफेक्ट तो ऊपर वाला भगवान है, जिन जो जो एक क्रिएटर है हमारा, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और तो गलतियां हर किसी से होती हैं, वो गलतियां नहीं है, विजन। आप जब विजन देते हो, आप सपोज करो बहुत सारे लीडर बोलते हैं मैं अपनी टीम में 100 लोगों को 1 लाख पार ले जाऊंगा, बट उनका वो विजन है और वो उसको मिशन के रूप में काम करते हैं। समटाइम सक्सेस मिलती है, समटाइम नहीं मिलती। ऐसे ही डीके सारण भी बहुत बार ऐसे अग्रेशन के साथ रहते हैं कि यस मेरे लोगों को वहां तक पहुंचाना है, इसलिए उस विजन को वो आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे लोग उस पर ही चुटकियों लेते हैं, उन्होंने तो ये बोला था, उसने वो बोला था, अरे भाई साहब बंद थोड़ा ना हो गए, काम को करना बंद थोड़ा ना कर दिया। वो विजन दिया है उन्होंने, एक रास्ता दिया उन्होंने, मौका दिया है। और मैं कहता हूँ उनका जो अभी तक का पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां में अच्छापन लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, जिंदगियां बदलने के लिए रोल रहा है। और बहुत सारे ऐसे लीडर मैं देखता हूँ जो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां तबाह करने के लिए लगे रहते हैं। आप डिसाइड कीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आते, लोगों को बढ़ाने के लिए या लोगों को गिराने के लिए। और मुझे लगता है ये बात आपको चुभे भी गई, और मैं पर्सनली जहनीत तौर पे कहना चाहता हूँ, यदि आप एक लीडर हैं, यदि आप परफॉर्मर हैं, तो परफॉर्म करके दिखाइए। बुराई करने में आपका यदि आप आने वाले टाइम में बुराई करते रहेंगे, तो एक ही मैं बात मानूंगा कि आप दूसरों की बुराई करके ही कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपने कल के अच्छे के लिए। अपने कल के अच्छे के लिए यदि आप करना चाहते हैं, या आप ये बोलिए कि ओके लाइफ केयर से कोई भी आएगा तो मैं अपनी टीम में नहीं लूंगा, मैं फिर मानूं आपको सच्चा, करके दिखाए यदि आप में ये काम है, तो आप क्यों गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज यहाँ एक ही है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही रूल होता है कि यहाँ डाउनलाइन बनाने से, टीम बनाने से पैसा आता है। इसलिए आप वहां पे अपनी पोजीशन लेके बैठे हैं और आप चाहते हैं दूसरों को डिस्टर्ब करके, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई डिस्टर्ब रहता है, उसको आप इन्फ्लुएंस में लेना चाहते हैं। और जो डिस्टर्ब रहता है वो बहुत अग्रेसिव होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, इसलिए कुछ लोग आपके चुंगल में फंस जाते हैं। मैं तो आपके लोगों से ही ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बार अपने मेंटर से ये भी पूछें कि वो आने वाले 2 साल में उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, उनको कहाँ लेके जाएंगे, उनका पे आउट कितना होने वाला है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं वो 2 साल में कहाँ जाएगी, उनके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और नहीं है जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है, तो फिर उसके बिना आप कैसे की करोगे। तो ये सारी बातें आप पे भी बनती हैं, परफॉर्म करके दिखाएं, क्योंकि आपका पहला पे आउट, आप समझ रहे हैं मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आपका पहला पे आउट लगभग 30,000 का था। उसके बाद आप 3 महीने के अंदर ही
आपने 1 लाख पार कर लिया, इसका मतलब समझते हैं एक साल में ही आपके पे आउट 6 लाख प्लस क्रॉस करेगी, तो आपको शर्म करनी चाहिए और उस बंदे को सैल्यूट करना चाहिए जिसके विजन के कारण आप ये इतना बड़ा कर पाए और आज जाके आप अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। मैं तो अभी भी उनको मैं इतनी तारीफ करना चाहता हूं डीके सर की कि उन्होंने मेरे को बोला कि इनको बोलने दे, मैंने ही इस आदमी को टर्मिनेट करने का काम किया। इन्होंने बड़े प्रोपेगेंडे फैलाए हुए थे, ये है वो है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे बरगलाने का काम करता। बड़ा अहंकारी आदमी है ये, मैं देखता हूँ ना इसके नीचे कोई भी कमेंट करे उसी के पीछे वीडियो बना दूंगा, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। लोगों को डरा के बिजनेस करता है, 4-5 लोगों को डरा के रखा हुआ, वो जिस दिन उनसे सवाल पूछेंगे उनका फ़ोन नहीं उठाएगा। मैं बहुत सारी बार देखता था यहाँ पे जब उनका कल्चर था तो वहाँ यहाँ पे भी कोई भी उनके खिलाफ बोलता या उनसे कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करता तो उनका फ़ोन नहीं उठाते थे, जवाब नहीं देते थे। इतनी ज़्यादा अहंकार किस चीज़ का भाई, हम बिजनेस करने आए हैं या राइवलरी थोड़ा ना करने आए हैं। कोई भी चीज़ विजन में बोली जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके टाइम में बाउंड होके कोई कंपनी काम करेगी। हाँ यस, उसके पीछे नेक और नियत के साथ प्रसाद किया जाता है, समटाइम्स सक्सेस होते हैं समटाइम्स सक्सेस नहीं होते हैं। और यदि आपको फिर भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो मैं एज ए यंगस्टर आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, ओपन डिबेट करते हैं किसी बात पे भी। आपके मैंने सारे वीडियो देखे हैं, आपके एजुकेशन के भी देखे हैं, मुझे कोई ऐसा कंटेंट नहीं मिला उन वीडियो में जो और किसी के पास ना हो। आपकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो आप फेक मोटिवेशन का काम करके, आप जो डिजिटल मीडिया का नाम लेके आप लोगों को गुमराह करने का काम जो करते हैं। एक झूठपाल उनके साथ आया हुआ है, उसको मैं झूठपाल ही बोलूँगा क्योंकि उसका काम यही रहता है दूसरी कंपनियों से ब्राइब मांगना, दूसरी कंपनियों से पैसा मांगना, उधर से मिल जाए इधर से मिल जाए। मैं खुल के बोलता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों के पीछे नहीं, मैं भी उस गांव से आया हुआ हूँ, वही बफलो टू फ्लाइट रहा है, हमने भी भैंस पे बैठ के देखा है, हमने भी वही बेसिक काम किया। इतने हम बड़े लोग नहीं हैं, हम भी छोटे आप जैसे ही लोग हैं। बट आप यदि ये चाहते हैं कि आप बहुत बड़े बन गए हैं तो आइए अपना विजन रखिए, आप 1 साल में कहाँ जाना चाहते हैं। और मैं शपथ लेता हूँ और उसके लिए पूरा प्रसाद करने को तैयार हूँ, जो डाइमलाइन उनकी यहाँ पे हैं जो मुझे सुन रही हैं उनसे बड़ा पे आउट करके हम दिखाएंगे उनसे, और उनको भी बीट करके दिखा दिया तो मैं आपको बड़ा लीडर मान जाऊँगा। और मैं आपके लिए भगवान से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि यस आप बड़े हो जाएं, उनसे बड़े होकर दिखाएं, ये आपके लिए चैलेंज है। अगले 1 साल में आपकी डाउनलाइन जो यहाँ पे थी उसका पे आउट बड़ा होगा या आपका बड़ा होगा। आप कितनी भी सेटिंग कर लीजिए, हर किसी को पता है, कैसे भी आप कुछ कर लीजिए, ओके लाइफ केयर आप जैसे कुछ लोगों पे नहीं है, ओके लाइफ केयर बहुत सारे ऐसे लोगों पे है जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सच्चे लोग हैं जिनको पता है यस हमारी चीज़ों में डिले हो सकता है, स्लो हो सकता है, पर हमारी चीज़ों में फ्रेब नहीं हो सकता। कभी कभी बोलते हैं कि डीके सर ने ACP के बारे में बोला था, यस बोला था, उसके बाद हमने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक भी हमारा लीडर बोले हमें नहीं मिला। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं जो पिछला बचा हुआ है ड्यू टू कोविड, आप विजन को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने भी अपनी मीटिंग्स प्लान की होंगी, उन्होंने भी अपना पोस्टपोन करना पड़ा होगा, प्रीपोन करना पड़ा होगा, कैंसिल करना पड़ा होगा। तो ये एक सर्वाइवल टाइम था मार्केट का, ये कोई चैलेंजिंग बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, किसी को नहीं पता था मार्केट कैसे बदलेगी, कैसे इन्वेंट्री मैनेज करनी है, कैसे सर्विसेज मैनेज करनी है। बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों ने स्ट्रगल किया है और इस स्ट्रगल के टाइम पे भी आपका पे आउट उन विजनरी और रिस्पेक्टेड CEO ने 6 लाख के पार पहुंचाया। जिंदगी में कभी 6 लाख आपने साल में नहीं देखा होगा जो आज जो यहां से आप लेके गए हैं। लगभग 60 से 70-80 लाख रुपए तक यहाँ पे आप कमाने के बाद आप में कमियाँ दिखती हैं, बिकॉज आप अहंकारी आदमी हैं, बिकॉज आप कभी भी दूसरे की नहीं सुनना चाहते, बिकॉज आप ओवर मोटिवेटेड हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। इसके पीछे एक रीज़न बताना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ, रीज़न क्या है इसके पीछे, यू आर ए इन्फ्लुएंसर, यू आर ए डिजिटल इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर में भी आपका जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका है वो अग्रेशन जो तरीका है वो नेगेटिविटी स्प्रेड करके है। इसके कारण बहुत सारे नेगेटिव लोगों की आपकी टीम बनती जाती है और आप उसको डिजिटल तो बना लेते हैं पर उनके पास फिजिकल नहीं पहुंचते हैं, फिजिकल नहीं पहुंचते हैं। नोट कीजिए, ओके लाइफ केयर में 6 लाख का पे आउट उठाने में 6 मीटिंग नहीं करनी पड़ी आपको, 6 मीटिंग आपके लिए मैंने मीटिंग की। आप क्या बोलते हैं, आपने अपलाइन का पे आउट बनवाया, आप क्या बोलते हैं, आपने डाउनलाइन का पे आउट बनाया, मैंने आपके लिए मीटिंग की, मैंने आपके लिए गुजरात में मीटिंग की, या मैंने आपके लिए बिहार में मीटिंग की, मैंने आपके लिए दिल्ली में मीटिंग की, आपसे ज़्यादा मीटिंग मेरी है आपकी टीम में। आप क्या बात करते हैं,
मैं हमें हम हमारा एक ही का मकसद है कि हम एक दूसरे का साथ दें, साथ रह के काम कर पाएं। अच्छी बात है, नहीं एक दूसरे की हमें यदि विचारधारा बनती है तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करें, पर इसका मतलब ये नहीं उसमें ये उसमें वो उसमें ये कौन सा गुण आप बताना चाहते हैं। दिस इज नॉट ए करेक्टर ऑफ लीडर, ये लीडर का है, लीडर नहीं है ये। लोगों ने इसको आज मेरे 29,000 व्यू आए हैं, किस चीज़ का ओके का नाम लेके ना, आपके व्यू मैंने देखे हैं, आपकी स्टडी मैंने की है पूरी, क्या कर लोगे इस व्यू का। शर्मा सरनेम है, विद्वानों के लिए लगाया जाता था, थोड़ा विद्वान और बुद्धिमान बनिए, दूसरों को अच्छी रास्ता दिखाइए, दूसरों के लिए काम कीजिए, अपना विजन बताएं, अपना विजन अपनी टीम को बताएं, क्या करने वाले हो टीम के लिए। बताया कभी आपने कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, उसको एक साल में कहां लेके जाऊंगा, मेरा पे आउट क्या होगा, इस इंडस्ट्री में मैं क्या बदलाव करने आया हूं। ये देखो झूठ का पर्दापार, व्हाट इज दिस। मैं कंडम करना चाहता हूं आपकी हर उस बात को जो आप ये भोपू लेके आ जाते हो। झूठपाल और जो विचार वाले शर्मा जी है ना, आप थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, राइट। सो अपना विजन क्लियर करें एक साल में, और हमारे जितने भी लीडर्स सुन रहे हैं, जो उनके डाउनलाइन सुन रहे हैं, उनके लिए प्रसाद पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं, चैलेंज देते हैं, डाउनलाइन का पे आउट आपसे बड़ा पे आउट रहेगा, याद रखना, तब मानेंगे लीडर आपको। पीछे से आप सेटिंग करते हैं, मैं ओके नहीं छोड़ूंगा, एक बाहरी अडंबर माहौल इस तरीके से लोग आते हैं, मैं देखता हूं इस तरीके से। मैं बहुत कम बोलता हूं, मैं बहुत कम अग्रेशन में आता हूं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करने वाला इंसान हूं। इस तरह से आते हैं जैसे इंडस्ट्री के बड़े ज्यादा गार्डियंस हैं, ये गार्जियंस हैं, ये तो इसको इंडस्ट्री को बचाने आए हैं। एक आता है झूठपाल, जो है वो झूठपाल तो इस तरीके से बताता जैसे वो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अचीवर रहा है। क्या अचीवमेंट है उनकी, क्या उन्होंने कर लिया इस इंडस्ट्री में, बकवास करने के अलावा अपनी झूठी प्रशंसा उन्हें चाहिए। उनके नीचे कोई कमेंट भी कर देता, कोई सवाल पूछता है, उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ लोग बेचारे इस तरीके चुप हो जाते हैं कि क्यों मत्था मारा बेशर्म आदमी से, ये बेशर्मों की तरह लगे रहते हैं, इसके खिलाफ बना दूंगा, उसके खिलाफ बना दूंगा, मैं इसके खिलाफ बना दूंगा। भाई साहब, आप एक किसी कंपनी में को ना तो चलाने वाले होते ना गिराने वाले होते, ये तो एक समूह होता है, ये लोगों का समूह होता है, लोगों का मिलके काम करने का एक समूह होता है। और रिस्पेक्टेड रहें और रिस्पेक्ट दूसरों की करना सीखें। निंदा आराम से की जा सकती है पर निंदनीय नहीं होना चाहिए, आप निंदा के बाद निंदनीय होते जा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, साथ हमने काम किया है तो अच्छे से एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कंपटीशन लड़े। और मैं चैलेंज देता हूँ, कंपटीशन में आपको जितने नहीं दूंगा, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा, मुझे पता है मैं प्रसाद करने वाला, मुझे पता है मैं लोगों की तकलीफ समझता, मुझे पता है मैं लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे जाके काम करता हूँ, उनके लिए मीटिंग करता हूँ, उनके लिए प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। पर आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप तो जाओगे भोपू लेके, ये होगा वो होगा, इसने ये कर दिया, डी के सारण ने ये कर दिया, देखो डी के सारण ने पहले ये बोला वैसे वो बोला, इससे क्या हो जाएगा। आपने बहुत बार स्टेज से बोला होगा कि मेरी टीम में ये अचीवमेंट आएगी, यदि नहीं बोला है तो फिर भी आपका कोई विजन नहीं, यदि बोला है तो बताएं कितनी भी आपकी टीमों में आई हैं। तो आप गुमराह करना छोड़ें और इस चीज को ध्यान में रखें, आपका सीधा चैलेंज आप परफॉर्मेंस से है, आपके विजन से। हम विजन सुनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। मैं आपसे सीधा, आप कहते हैं मैं सारी चीजों का सवाल का जवाब देता हूं, मैं आपका आगे एक साल का विजन पूछना चाहता हूं, एक साल में आप क्या करने वाले हैं और आपकी टीम को कहां ले जाने वाले हैं, कहां ले जाने वाले हैं अपनी टीम को, आपसे सवाल नंबर वन। आप बहुत सवाल पूछते हैं, आपकी टीम में एक साल में कितने लोग कितने पे पहुंचेंगे, आप उस कंपनी को कहां लेके जा सकते हैं, उस कंपनी के जहां आप प्रमोट कर रहे हैं उसके क्या बेसिक्स हैं, किन चीज़ों पे काम करती हैं उनके। मैं ये कहता हूं आप प्रोडक्ट के नाम गिनवा के दिखा दो, आपको पूरे प्रोडक्ट के नाम याद नहीं होंगे, ओके लाइफ केयर की पूरी बास्केट का नाम याद नहीं है आपको, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, पांच इंग्रेडिएंट के नाम याद नहीं है आपको, आप प्लान 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 भोपू बजाते रहते हो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं, सद्बुद्धि दे और आप आराम से इस चीज़ों को सोचें जो मैंने कहा है। हो सकता है आप आत्मचिंतन करें इसके बाद भी, पर मुझे लगता है जिस तरीके से आपका कल्चर, आत्मचिंतन नहीं, आप तो वैसे चिंतन में घुस जाओगे, अब मैं कैसे जवाब दूंगा, मैं कैसे दबाऊंगा, मैं कैसे बड़ा बनूंगा, मेरा लीडरशिप कैसे चमकेगी, देखिए सीधे जवाब सीधे सवाल सीधे जवाब, क्या हो जाएगा इससे, क्या कहना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। बहुत सारे लोग आपके पीछे से आपका मखौल उड़ाते हैं, आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी सोचना चाहिए। डेली की डेली मध्य प्रदेश बढ़ता जा रहा है, ये पर्सनल हो रहा हूं मैं, इसलिए हो रहा हूं क्योंकि आप पर्सनल करते हो,
तो मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत ब्रेन फ्यूल खाया करो, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें डाली गई हैं, आपका दिमाग शांत रहेगा और आपको आने वाली टीम, आप आने वाले टाइम में आपकी टीम की प्रोग्रेस उसी में बची हुई है। आप ये बरगनाना छोड़ें, इसका ऑफिस, उसका ऑफिस, इसकी लैब, उसकी लैब, आपके पास लैब है जिस कंपनी को प्रमोट करे दी है, तो कौन सा ऐसा फॉर्मुलेशन आपने बना दिया जो लोगों का काम कर रहा है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जो लोगों की भलाई के काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं जो पूरी इंडस्ट्री में किसी के लिए एक मार्गदर्शक बनने वाली है, कौन सी ऐसी एजुकेशन आपके पास है जो नए लोगों को राह दिखाने का काम करती है, कौन सी ऐसी आपका ऐसा कर्म है अभी तक का जो जिन्होंने लोगों को विजन दिखाया हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बहुत बड़े वो करने थे, आपने एक कंपनी भी चलाई थी पहले, वो कंपनी में आपकी अनसक्सेसफुल क्यों रही, इसके पीछे रीजन है क्योंकि आप दूसरों का सम्मान नहीं कर सकते, दूसरों की क्वेश्चनिंग आप पे सहन नहीं है, आप बहुत घमंडी इंसान हैं, आप हमेशा दूसरों पे कोसते रहते हैं। अपनी बताएं, आपने कंपनी चलाई थी उसका क्या रहा, कैसे कैसे बंद हुई, कौन से प्रोडक्ट आप लेके आए थे, आपका विजन क्या था और उस विजन को आप क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, फिर तो आपने भी झूठ बोला है क्योंकि आपने कंपनी तो चलाने के लिए खोली थी, वो क्यों नहीं चली, बताएं आप लोगों के सामने। फिर आपने दूसरी कंपनी स्टार्ट की, हमारे पास आए तो उसकी बुराई करते थे, हमारे से गए तो हमारी बुराई, इसके बाद भी आपकी बुराई, क्योंकि आपका करैक्टर को आपने ट्रैक्टर बना दिया जिसके पास इमोशंस नहीं है, करैक्टर आपका ट्रैक्टर है, चलता रहता है। सो थैंक यू सो मच। मैं उनसे फिर सवाल पूछना चाहता हूँ, अगले एक साल का विजन बताएं, लोगों को पटल पे रखें कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। आप बहुत बोलते हैं ना, इतना एक्सपीरियंस है, ओके लाइफकेयर का जो पे आउट आपका आता है उसको क्रॉस करके दिखाएं, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में लीडरशिप क्या होती है। थैंक यू सो मच सुनने वाले के लिए। हो सकता है कुछ वर्ड मेरे अग्रेशन में कुछ ऐसा निकला हो, बट फिर भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, यदि कोई हर्ट हुआ है पर्सनली उससे मैं माफ़ी ये मांगना चाहता हूँ, मेरे वर्डों से हर्ट नहीं हो जी होइए, पर मैं ये रियल में आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में खोया हुआ हूँ, डिजोल्व हूँ इस इंडस्ट्री में, हर टाइम इसको जीता हूँ, इसको धारण किया हुआ है। कुछ लोग आते हैं, अपनी चलाते हैं, अपने तरीके से घुमाते हैं, उसके खिलाफ, इसके खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, घर में भी बहुत बार लड़ाई होती है, उसको भी बाहर लेके आओ यूट्यूब पे, उसको भी फेसबुक पे लेके आओ, करैक्टर में रहिए, करैक्टर में रहने वाला इंसान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत, जय ओके लाइफ के, थैंक यू सो मच। और दोबारा से हम सैल्यूट करना चाहते हैं ऐसे विजनरी सीईओ को जिन्होंने एक रास्ता दिया, जिन्होंने एक सोच दी, जिन्होंने प्राइस की बात की, जिन्होंने बात की कि जो इस इंडस्ट्री में गलत प्रैक्टिस थी उसको खिलाफ बात की। सो डीके सर का भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और जितने भी लीडर मुझे सुन रहे सभी का मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज पूरा सुना और इन चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा। हो सकता बहुत सारे लोगों को पसंद आई होगी, बहुत सारे लोग इसमें अपना अपना रास्ता देखेंगे, अपने अपने क्वेश्चन ढूंढेंगे। सो सभी का हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय ओके लाइफ के, जय भारत, थैंक यू सो मच। यस आई एम ओके, प्राउडली आई एम ओके, थैंक यू सो मच।